रेहान रॉय और मुस्कान शर्मा की जोड़ी आजकल सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रही है और आप लोगों को इनकी जोड़ी बहुत ज्यादा पसंद भी आ रही है। और मुस्कान जब भी रेहान के साथ होती है तो वो बहुत ज्यादा खुश नजर आती है। और आप सब जब भी इन्हें सोशल मीडिया पे देखते हो तो आपके मन में एक ही सवाल उठता है कि आखिर इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो चलिए आप सबके कंफ्यूजन इस वीडियो में जो है दूर होने वाले है। तो चलिए देखते हैं रेहान रॉय कौन है और वो क्या सोचते हैं मुस्कान के बारे में, इन दोनों का रिलेशन क्या है, चलिए सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। और रेहान रॉय ने भी खुद बताया है इनके रिलेशन के बारे में, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस चलिए पहले हम शॉर्ट में रेहान रॉय की जो है बायोग्राफी देख लेते हैं। 15 अप्रैल 1988 को वेस्ट बंगाल के कोलकाता में एक लड़के का जन्म हुआ जिसे हम और आप आज रेहान रॉय के नाम से जानते हैं। रेहान एक पॉपुलर टीवी एक्टर, फिटनेस मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। तो चलिए आप मुझे सबसे पहले कमेंट में ये बताइए कि किस किस को पता था कि रेहान एक टीवी सीरियल एक्टर है और आपने उन्हें किस सीरियल में देखा था। तो चलिए मुझे फटाक से कमेंट करके बताइए। गाइस आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रेहान रॉय का असली नाम अभिजीत रॉय है। जी हाँ गाइस, इनका असली नाम अभिजीत रॉय है और सभी ने अप्पू अप्पू कहकर बुलाते हैं। रेहान के घर में इनके पापा, मम्मी और एक छोटी बहन है। रेहान एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसकी वजह से जो है इन्हें 10th के बाद जो है पढ़ाई छोड़नी पड़ी और इनको जो है छोटे मोटे काम करने पड़े। रेहान भले ही अपने घर की स्थिति के लिए जो है छोटे मोटे काम करते थे लेकिन उनका सपना एक एक्ट्रेस बनने का हमेशा से था। वो एक्ट्रेस बनना चाहते थे, ये बात वो अपनी मम्मी को भी बताया करते थे लेकिन उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जब ये 17 बरस के हुए तो इन्हें अपना सपना सच करने का एक रास्ता नजर आया। कोलकाता में ZTV बंगाली चैनल के लिए एक मेगा स्टार के लिए ऑडिशन चल रहा था। तब ये बात उन्होंने अपनी मम्मी को बताई, क्या मम्मी मैं ऑडिशन दे दूं? तो इनकी मम्मी ने कहा कि ये सब चीजें जो है हम गरीब लोगों के लिए नहीं होती। लेकिन रेहान अपनी जिद पर अड़े थे, उन्होंने बिना किसी को बताए जो है वहाँ पर ऑडिशन दे दिया। उन्होंने ऑडिशन दिया और वो ऑडिशन भी जीत गए। और जब ये बात उन्होंने अपनी मम्मी को बताई तो उनकी मम्मी जो है बहुत ज्यादा खुश हुए और यहीं से रेहान रॉय के जो है एक्टर्स बनने के रास्ते खुल गए और यहीं से उन्होंने एक्टिंग करना शुरू किया और एक्टिंग की वर्कशॉप करने लगे। 2010 में इन्हें पहला बंगाली सीरियल मिला जिससे उन्होंने अपना डेब्यू स्टार्ट किया जिसका नाम था ओगो बोदो सुंदरी। इसके बाद इन्हें पहली अपनी बंगाली फिल्म मिली जिसका नाम था आम मानुष। फिर उसके बाद कभी उन्होंने अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर उसके बाद उन्होंने साउदर्न इंडिया, इमोशनल अत्याचार, गुमराह, फेयर फाइल्स, मीरा, नागार्जुन, सबकी प्यार की, एक विवाह ऐसा भी, अग्नि फेरा और गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा और इन जैसे ना जाने कितने ही सीरियल किए। लेकिन इन्हें असल पहचान गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा इस सीरियल से मिली और इन्होंने विक्रम भट्ट की डायरेक्ट की हुई तांत्रा वेब सीरीज में भी काम किया है। इससे साफ पता चलता है कि रेहान रॉय एक टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग एक्टर है। सो गाइस ये थी रेहान रॉय की कुछ शॉर्ट बायोग्राफी। तो चलिए हम इसके बाद मुस्कान शर्मा एंड रेहान रॉय के रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। इसमें हम जानेंगे कि मुस्कान शर्मा एंड रेहान रॉय के रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई। तो यहाँ पर रेहान और मुस्कान की शुरुआत एक म्यूचुअल फ्रेंड की तरह हुई, वो भी वीडियो बनाने के लिए। लेकिन जब रेहान रॉय मुस्कान शर्मा से मिले तो रेहान रॉय को मुस्कान शर्मा एक इनोसेंट और सच्ची लगी और इन दोनों में बातचीत हुई और पहली मुलाकात में जो है बहुत गहरी दोस्ती हो गई। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फर्स्ट टाइम में इनकी जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया, इनके वीडियोस इतने ज्यादा वायरल हुए कि इन्हें सेकंड टाइम फिर वीडियो बनानी पड़ी। फिर से ये दोनों साथ में वीडियोस बनाने लगे और इनके वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल होने लगे, इनकी जोड़ी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने लगी। रेहान रॉय को मुस्कान शर्मा बहुत ज्यादा पसंद है, वो इन्हें अपना बहुत ही स्पेशल फ्रेंड और वुमेन मानते हैं। लेकिन वही मुस्कान शर्मा को भी जो है रेहान रॉय बहुत ज्यादा पसंद है। तो चलिए देखते हैं रेहान रॉय मुस्कान के बारे में क्या कहते हैं। लोगों में से बहुतों ने ये सवाल पूछा है तो इसका जवाब तो बनता है ना, पर मैं मुस्कान के बारे में क्या कहूँ, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं, पर उसमें से दो चीज़ तो मैं ज़रूर कहूँगा। सबसे पहली बात है शी सो हार्डवर्क। खुद कई बार उससे कहा है कि जितना हार्डवर्क तुम करती हो ना, अगर उसका थोड़ा सा भी मैं कर पाऊँ ना, इट वुड बी जस्ट अमेजिंग। और दूसरी बात यह है कि शी टेक्स केयर ऑफ एवरीवन। इससे बात साफ पता चलती है कि रेहान रॉय के मन में जो है मुस्कान के लिए फीलिंग है वो, लेकिन वो एज अ फ्रेंड है। उनकी बातों से ये पता चलता है कि उनके बीच में जो फीलिंग्स है वो सिर्फ फ्रेंड्स की फीलिंग है, इसके अलावा और कुछ नहीं। रही बात रेहान रॉय के रिलेशनशिप के बारे में, तो गाइज यहाँ पर ये पहले जो है जैस्मिन रॉय को जो है डेट कर रहे थे लेकिन अब शायद इनके बीच में कुछ नहीं है, इनका शायद जो है ब्रेकअप हो चुका है। तो चलिए ये सब बातों से जो है साफ पता चलता है कि इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स है। और अगर आप चाहते हैं कि मुस्कान शर्मा और रेहान रॉय एक दूसरे को डेट करें, ये दोनों रिलेशनशिप में आए, तो कर दीजिए इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट में जरूर बताना कि आपको इन दोनों की जोड़ी कैसी लगती है। शायद ये वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हो जाए कि उन तक भी ये बात पहुंच जाए और शायद ये इस बारे में सोचे। वो हमेशा सोचते थे जिससे शादी करेंगे ना उसकी जिंदगी बन जाएगी, पर तुमको देखने के बाद हमको ऐसा लगता है कि जिससे तुम्हारी शादी होगी ना उसकी जिंदगी बन जाएगी।
सो गाइस ये थी रेहान रॉय की बायोग्राफी और इन दोनों के रिलेशनशिप की असली रियलिटी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो गाइस जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय।